बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी सफ़ीर हसन, लेक्चरर मैथमेटिक्स फ्रॉम लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज मुल्तान। स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ सब्जेक्ट अलजबरा 2 एंड आवर टॉपिक इज रिंग थ्योरी। यस, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिंग थ्योरी एंड इट्स टाइप्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग्स एंड इट्स रिलेटेड थ्योरम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, रिंग क्या होती है? ग्रुप के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, ज़रा उसको रिकॉल करें, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करते हैं। ग्रुप क्या होता है? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप कहलाता है अगर वो चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ नंबर 3, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, नंबर 4 उसका इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रिंग एन ऑर्डर ट्रिपल आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। कुछ बुक्स में इसको इस तरह भी डिनोट किया गया है क्रॉस के सिंबल से। डॉट करें या मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दें तो एक ही बात है। इस कॉल्ड अ रिंग इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एग्जियम्स। नंबर 1, आर इज एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। नंबर 2, आर इज सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन आर। किसी भी ऑर्डर ट्रिपल को, जबकि वो क्या है, ट्रिपल का मतलब उसमें क्या है, आर एक सेट है और उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों ऑपरेशन इसमें इन्वॉल्व हैं, एक एडिशन का दूसरा मल्टीप्लीकेशन का, इसको हम रिंग बोलते हैं। कब? अगर ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें। नंबर 1 कि आर हमारे पास क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिर्फ एडिशन की बात की है उसने, मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से ग्रुप होना जरूरी नहीं है। सो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि रिंग में फॉर द सेट टू बी रिंग इट मस्ट बी अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसको एडिशन के लिहाज से कोई ग्रुप होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब एबिलियन ग्रुप की क्या डेफिनेशन थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? चार प्रॉपर्टी से ग्रुप वाली सेम थी, क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके अलावा इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और नंबर 5, एबिलियन की प्रॉपर्टी थी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी प्लस ए। तो इसका मतलब वो पांच प्रॉपर्टीज, इस पॉइंट नंबर 1 का मतलब है कि वो ग्रुप एबिलियन ग्रुप की इन पांच प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई करे। नंबर 2, आर इज सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, सेमी ग्रुप का मतलब क्या है, विद रिस अंडर मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि आर को एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए इस आर सेट में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल आना चाहिए किसके, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि मैं पहले ब्रैकेट इनके गिर्द लगा रहा हूँ बी और सी के अराउंड, देन मैंने ब्रैकेट यहाँ पर लगाई है ए और बी के अराउंड। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूँ या इसको सॉल्व करूँ, बात एक ही है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये क्या आना चाहिए हमारे पास, इसका मतलब फिर क्या होगा, आर हमारे पास सेमी ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन अगर वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नंबर 3, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। क्या मतलब है इसका, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि ए को अगर मैं बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करूं तो ए सेपरेटली मल्टीप्लाई इंडिविजुअली होगा पहले बी से, फिर प्लस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा सी से, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और सिमिलरली ए प्लस बी को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करें फ्रॉम द राइट साइड, देन बी ए सी प्लस बी सी के वो इक्वल आएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता दूं इसके कि किसी भी रिंग में जो ये स्ट्रक्चर है आर प्लस, देखें दो ऑपरेशन इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, आर विद रिस्पेक्ट टू ये एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन की हमने बात की है। तो ये जो हिस्सा है इसका आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जस्ट इसको हम बोलते हैं एडिटिव ग्रुप, और आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव सेमी ग्रुप, मल्टीप्लीकेटिव सेमी ग्रुप, या इसको डॉट लगा दें या मल्टीप्लाई लगा दें, बात एक ही है, क्रॉस लगा दें, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमने अभी ग्रुप की बात की कि एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, आर एबिलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो फिर उसमें जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, जीरो, जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जीरो नहीं होती, वो वन होती है। और उसके अलावा रिंग में एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि रिंग में
कि किसी भी सेट का रिंग होने के लिए एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होना लाजमी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होना लाजमी नहीं है। और एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब उसमें फिर मल्टीप्लीकेटिव एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी भी होल्ड करेगी, एग्जिस्ट करेगी। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यानी कि उसमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है। और अगर किसी रिंग में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन एग्जिस्ट कर जाती है तो उस रिंग को हम बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। लेकिन अगर उस रिंग में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती तब भी इट्स ओके, वो रिंग जरूर होगी लेकिन उसको फिर रिंग विद यूनिटी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स, देखें कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये हमारे पास रिंग है। सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये भी रिंग है हमारे पास। इसके अलावा अब यहाँ पर लेम है कुछ कि इफ आर इज अ रिंग देन फॉर ए बी, ए व बी बिलोंग्स टू आर, वी हैव 0 × a = a × 0 = 0। इसका ज़रा प्रूफ देखें, वो कह रहे हैं कि बिकॉज हम क्या कह सकते हैं कि 0 को हम लिख सकते हैं 0 + 0, क्योंकि 0 + 0 क्या है, 0 के इक्वल। और इसको हम लिख सकते हैं a × 0 क्यों लिखा कि a × 0 भी क्या होता है हमारे पास 0, और इसको मैंने लिखा है a × 0 + 0। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करें वापस यही चीज़ आएगी 0 + 0। देन क्या कह रहे हैं वो, देखें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं, a × 0 + 0, तो पहले क्या होगा a × 0 + a.0 बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन फिर क्या कर रहे हो यहाँ पर 0 + a.0 = a × 0 + a × 0, तो ये हमारे पास 0 बन गई = a.0। यानी कि हमने ये प्रूव करना था कि a.0 × 0 = 0। ये अब क्या किया, यहाँ पर हमने कैंसलेशन लॉ अप्लाई किया, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। उसके बाद 0 = a, इसको भी प्रूव करना है 0 के इक्वल, तो इसको भी ये किया, पहले 0 + 0 × a कर दिया, फिर 0 इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। देन इसको सॉल्व किया तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, 0 × a = 0। ये बिल्कुल सिंपल सा ग्रुप है, प्रूफ है बेसिक। देन हमारे पास नेक्स्ट है बड़ा a − b = −a × b = −ab। इसको देखते हैं इसका प्रूफ किस तरह है। यहाँ पर देखें हम a − b + ab को लिख सकते हैं क्या, कि a − b + b, इन दोनों में से देखें ना, अगर हम a को कॉमन लें तो अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, −b + b, और आप जानते हैं कि −b + b एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, रिजल्ट 0 आएगा। देन दिस a × 0 = 0 होगा, a − b + ab 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो फिर और दूसरा हमने क्या प्रूव करना है, −a × b + ab। इसमें आप देखें −a + a, इसने क्या किया, b को कॉमन ले लिया, यहाँ पर b कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में −a + a, जो कि 0 हो जाएगा, 0 × b 0 हो जाएगा। अब आप गौर करें तो a − b, ये भी किसके इक्वल आ गई हमारे पास, −ab के। देखें ना एक्चुअली इसमें किया क्या, उसने हमने कहा कि a − b, इसको भी प्रूव करना था हमने किसके इक्वल, ये हमारे पास −ab के इक्वल है। तो हमने क्या किया, ये −ab के इक्वल तब होगा अगर हम इस ab को इसमें ऐड करें और रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो a − b हमने लिया, इसको आप इस तरफ ले लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये बनेगा +ab। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे फिर क्या आना चाहिए, 0, वही हमने प्रूव किया है। सिमिलरली फिर −a × b को भी प्रूव किया 0 के इक्वल, तो इसका मतलब −a × b क्या होगा, −ab के इक्वल होगा, उसको उस साइड पर ले जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट प्रूफ देखें, −a − b = ab, तो इसको हम लिख सकते हैं −a − कॉमन, इसका एक अब माइनस बाहर ले दें, अंदर a − b, और a − b आप जानते हैं अभी हम प्रूव करके आए हैं वो किसके इक्वल है, −ab के इक्वल। a − b अभी हम प्रूव करके आए हैं कि ये −ab के इक्वल है। देन अब आप इसको देखें ज़रा, यहाँ पर पुट करें a − b की जगह −ab, ये अब क्या होगा −−+ab के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब −a − b = ab, वैसे भी हम मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि −−+ ही होता है, तो ये उसी का ही प्रूफ है। नेक्स्ट देखें, कह रहे हैं इन ए रिंग आर, प्रूफ दैट फॉर ए व बी बिलोंग्स टू आर, a + b² = a² + ab + ba + b² अच्छा, रिंग में क्योंकि रिंग
एबिलियन ग्रुप होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं होती, ये बात अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन रिंग में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उसमें सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब यहाँ पर आप गौर करें, ए प्लस बी का स्क्वायर, इसको जरा ओपन करें, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब ए भी क्या होगा, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, बी भी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, देन ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। तो अब देखें ए इंटू ए स्क्वायर बन गया प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको हम ए ए बी प्लस बी ए को यहां पर 2ab के इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि हम रिंग की बात कर रहे हैं। हमने कह दिया कि r हमें गिवन था कि ये रिंग है और ab कोई एलिमेंट्स हैं जो इस रिंग से बिलोंग कर रहे हैं। देन इट मीन्स कि आपने ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए को आप 2ab नहीं लिख सकते, बिकॉज रीजन क्या है इसकी, के विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन r का कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं है यहां पर। अगर ए बी बी ए के इक्वल होता देन हम कह सकते थे कि ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 2 ए बी। उसके बाद आप चलें नेक्स्ट, ये आप लोगों ने खुद करना ट्राई कि इस रिंग में आपने क्या करना है कि ए प्लस बी का क्यूब, इसको प्रूफ सॉल्व करना है आपने। उसके बाद क्या है यहां पर लेमा कि इफ आर इज अ सिस्टम विद वन सेटिस्फाइंग ऑल एक्सियम ऑफ रिंग एक्सेप्ट पॉसिबली ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ए बी बिलोंग्स टू शो दैट आर इज अ रिंग। कह रहे आर हमारे पास क्या है, कोई सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा हुआ है वन, और वो क्या तमाम एक्सियम्स को, रिंग के तमाम एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ एक एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो क्या है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये वाला लॉ इसमें होल्ड नहीं कर रहा। तो फिर भी शो करें कि आर क्या है हमारे पास, रिंग है। तो वी हैव टू प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए ओनली। यहां पर क्या करेंगे, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्योंकि यहां पर उसने क्या है कि आर में सिर्फ एक ही एलिमेंट है वन, तो ए भी वन कर दिया हमने, बी की जगह भी वन पुट किया, तो ए प्लस बी इंटू ए वन प्लस वन, ये क्या बनेगा ए प्लस बी इंटू वन, फिर प्लस ए प्लस बी इंटू वन, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ए इंटू वन प्लस बी इंटू वन, ये सेपरेटली इनसे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होंगे, देन प्लस ए इंटू वन प्लस बी इंटू वन। अब ये हमारे पास देखें ए मल्टीप्लाई बाय वन ए ही आएगा, बी मल्टीप्लाई बाय वन ये भी बी आएगा, यहाँ पर ए यहाँ पर बी आ गया। अब आल्सो ए प्लस बी इंटू वन प्लस वन, इसको जरा फिर से गौर करें, यहाँ पर क्या बन रहा है ए इंटू वन प्लस वन भी इसको कह सकते हैं, प्लस बी इंटू वन प्लस वन, यहाँ पर अलग अलग मल्टीप्लाई करें, तो ये ए प्लस बी प्लस बी बन रहा है, ठीक है। तो कह रहे फॉर फ्रॉम वन एंड टू ए प्लस बी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिए है उसने। अब यहां पर क्या करेंगे हम, ए प्लस बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, आपके पास ये ए कैंसल हो जाएगा, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ ग्रुप थ्योरी में आप लोग पढ़ चुके हैं कि यहां पर क्या होगा, ये ए ए से कैंसिल होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, राइट कैंसलेशन लॉ से बी को बी से कैंसिल कर देंगे, लिहाजा हमारे पास जो रिमेनिंग चीज होगी वो क्या होगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखें आप, यहां पर कह रहे हैं कि इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इन रिंग आर शो दैट ए एक्स प्लस एक्स ए कम्यूट विद ए बिलोंग्स टू आर। क्या करना है हमने कि अगर ए स्क्वायर जीरो के इक्वल हो, किसी रिंग का कोई एलिमेंट ए जिसका स्क्वायर जीरो के इक्वल है, तो शो करें कि ए एक्स प्लस एक्स ए कम्यूट करे ए के साथ। तो अब कम्यूट कैसे करेगा देखें जरा, लेफ्ट साइड से कम्यूट करें इसको, ए इंटू ए एक्स प्लस ए करें एक्स ए करें, तो ए इंटू ए एक्स हो जाएगा यहां पर, फिर प्लस ए इंटू एक्स ए हो जाएगा। उसके बाद ये क्या बनेगा ए डॉट ए, ये ए स्क्वायर, यहां पर क्या बनेगा, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा ए एक्स ए एज इट इज। अब यहां पर देखें, क्योंकि ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में कि ए स्क्वायर इक्वल है जीरो के, तो यहां पर उसने ए स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया, जीरो प्लस ए एक्स एज इट इज। यहां पर रीजन दे दें कि बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देन जीरो प्लस ए एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स ए आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड से इसको कम्यूट करें ए को,
जब राइट हैंड साइड से कम्यूट करेंगे ए एक्स ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स ए ए से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ए एक्स एज इट इज प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर, या ये इस ए स्क्वायर को आप जीरो के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि ये आपको गिवन है कंडीशन में, साथ रीजन जरूर मेंशन करनी है। उसके बाद देखें यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स इंटू जीरो जीरो, तो यहाँ पर भी ये भी किसके इक्वल आ गया, ए एक्स ए। इसका मतलब कि हम लेफ्ट हैंड साइड से कम्यूट करें या राइट हैंड साइड को ए से कम्यूट, राइट हैंड साइड से इसको कम्यूट करें एक्स प्लस एक्स ए को ए के साथ, तो रिजल्ट इन दोनों का सेम आ रहा है, इसका मतलब ये इसके साथ कम्यूट करता है। नेक्स्ट देखिए कम्यूटेटिव रिंग क्या है, अगर किसी रिंग में कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल्ड कर जाए देन वो कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी। अ रिंग इन विच मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव रिंग, यानी कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल आ जाए, या ए डॉट बी इक्वल आ जाए बी डॉट ए के, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये देखें ठीक है। अब रिंग विद यूनिटी, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि रिंग में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का होना लाजमी नहीं है, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी का होना लाजमी है, क्योंकि रिंग एबिलियन ग्रुप होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर देखें रिंग विद अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन, अगर किसी रिंग में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए तो उस रिंग को हम क्या बोलते हैं, फिर रिंग विद यूनिटी, सच दैट वन इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वन इज इक्वल टू एक्स। और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, वन होती है, वन को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही एलिमेंट आएगा, तो ऐसी रिंग जिसमें मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन एग्जिस्ट कर जाए उस रिंग को क्या बोलेंगे, रिंग विद यूनिटी। नेक्स्ट है बुलियन रिंग, बुलियन रिंग क्या होती है, अगर किसी एलिमेंट का स्केल लें वापस रिजल्ट वही सेम एलिमेंट आ जाए तो उस रिंग को हम बुलियन रिंग बोलते हैं, यानी कि अगर हम एक्स स्केल लें वो एक्स के इक्वल आना चाहिए और ए स्केल लें तो वो ए के इक्वल आना चाहिए, इस तरह इस टाइप ऑफ रिंग को हम क्या बोलते हैं, बुलियन रिंग। नेक्स्ट है डिवीजन रिंग, कह रहा है कि लेट आर इज अ रिंग विद यूनिटी देन एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड यूनिट इफ इट हैज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इन आर। कह रहा है कि किसी भी सेट आर को, अगर आर हमारे पास कोई रिंग है तो हम किसी एलिमेंट को क्या बोलेंगे, आर के एलिमेंट को, कि वो आर के किसी एलिमेंट ए को हम यूनिट बोलेंगे अगर उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी उसमें एग्जिस्ट करता है, यानी कि सिंपल रिंग में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्ट करना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर किसी रिंग में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए, अभी मैं बता गया हूँ, तो वो रिंग विद यूनिटी कहलाती है, लेकिन और किसी रिंग में अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो उस रिंग को हम क्या बोलते हैं, तो उस जिस एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उस एलिमेंट को आप बोलेंगे यूनिट है, वो दैट एलिमेंट इज कॉल्ड यूनिट। और अगर किसी रिंग में हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो उस रिंग को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन रिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है जीरो डिवाइजर, अब यहां पर देखें आर हमारे पास कोई कम्यूटेटिव रिंग है, आर हमारे पास कोई कम्यूटेटिव रिंग है तो देन एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर वेयर इज नॉन जीरो इज कॉल्ड जीरो डिवाइजर इफ देयर इज एन एलिमेंट बी नॉट इक्वल टू जीरो where b belongs to r such that a dot b zero। कह रहे r हमारे पास कोई कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, then कम्यूटेटिव रिंग का मतलब कि उसमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी कि a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a या फिर a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a है, तो उस रिंग के किसी एलिमेंट a को हम जीरो डिवाइजर बोलेंगे अगर उसकी कोरिस्पोंडिंग कोई एलिमेंट b एग्जिस्ट करता है जो कि नॉन जीरो है, सच दैट उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, a डॉट b हमारे पास जीरो के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कह रहे हैं कि जेड सिक्स ये कोई ग्रुप है हमारे पास जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, अब कह रहे हैं कि एज यहाँ पर टू, क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूलो क्या है फाइव है, फाइव से बड़े एलिमेंट पे आप नहीं जा सकते, टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स क्या होगा, टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स हमारे टू मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्स होगा, ठीक है, तो जब आप उसको क्या करेंगे, सॉरी इसमें ना मॉड्यूलो सिक्स है, सिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, जब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आएगा, 6 को हम क्या करेंगे क्योंकि मॉड्यूलो 6 है तो 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 वन द 6 आएगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा, देन हम कह सकते हैं कि 2 क्रॉस 3 यहाँ पर 0 होगा, तो इसका मतलब 2 और 3 यहाँ पर 0 डिवाइजर हैं, यानी कि ऐसी ऐसी एलिमेंट्स
ऐसे एलिमेंट जिसको दूसरे से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट जीरो आ जाए तो वो उसका जीरो डिवाइजर होगा, लेकिन बशर्ते ये कि रिंग क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव होनी चाहिए। अब मैट्रिसेस के केस देखें, रिंग ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिक्स आल्सो हैव जीरो डिवाइजर, रिंग ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हैव आल्सो जीरो डिवाइजर। कह रहे रिंग जो तमाम मैट्रिसेस का जीरो डिवाइजर जरूर मौजूद होता है। नेक्स्ट देखें इंटेग्रल डोमेन। अब देखें यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंटेग्रल डोमेन क्या है, अ कम्यूटेटिव रिंग और इज कॉल्ड इंटेग्रल डोमेन इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर। अगर किसी रिंग का किसी रिंग में कोई जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट ही नहीं करता देन उस रिंग को हम क्या बोलेंगे कि वो इंटेग्रल डोमेन है, या फिर इसको मैथमेटिकली इस तरह कह सकते हैं कि आर इज इंटेग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ फॉर ए व बी बिलोंग्स टू आर, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी इज जीरो। ठीक है, या तो फिर जीरो डिवाइजर होने के लिए क्या कंडीशन थी कि दोनों एलिमेंट्स यानी कि जिन दो एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर क्या आना चाहिए जीरो, लेकिन उन वो दोनों एलिमेंट्स खुद क्या होने चाहिए नॉन जीरो होने चाहिए। जैसे हम मॉड्यूलो वाला केस लिया हमने यहां पर जेड सिक्स की बात की थी, तो यहां पर ए भी नॉन जीरो होना चाहिए बी भी नॉन जीरो, तो इंटेग्रल डोमेन कब होगी या उसका कोई जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी उसमें अगर हम किसी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट जीरो आ जाए तो उसमें कम से कम क्या कंडीशन है, कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा ए या बी, उन दोनों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट जीरो के इक्वल जरूर होगा, देन वो दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर उसको जीरो कर देगा, अदरवाइज उसमें जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, इंटेग्रल डोमेन है। नेक्स्ट देखें कम्यूटेटिव रिंग आर इज एन इंटेग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन होल्ड। अब यहां पर देखें क्या कह रहे हैं कि सपोज कैंसिलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन होल्ड इन आर। अब दो कंडीशंस लेंगे इफ एंड ओनली इफ की बात कर दी, इक्विवेलेंट कंडीशंस दी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक कंडीशन को लेकर दूसरी को प्रूव करेंगे, दूसरी को लेकर फिर फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करेंगे। अब हम यहां पर सपोज करेंगे कैंसिलेशन लॉ रिंग में यहां पर होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो अब हमें इसको प्रूव करना है ये इंटेग्रल डोमेन है, तो फिर लेट फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉन जीरो, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अब इंटेग्रल डोमेन के लिए हमने क्या प्रूव करना है कि अगर ए डॉट बी जीरो है और हमने कंडीशन लगा दी कि ए नॉन जीरो है, तो फिर दूसरा कोई एक एलिमेंट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब हमने प्रूव करना है कि बी जीरो है, तो फिर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो को हम लिख सकते हैं ए डॉट जीरो, क्योंकि ए डॉट जीरो भी तो जीरो के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ए डॉट बी। यहां पर अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करें तो क्या होगा, ए ए से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आपका क्या आएगा बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बी कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि जीरो है, ठीक है, तो ये इंटेग्रल डोमेन है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, कन्वर्स लेना है। कन्वर्स में क्या करेंगे हम, देखें पहले क्या कह रहे थे हमने क्या किया, यहां पर गिवन था कि कम्यूटेटिव रिंग को इंटेग्रल डोमेन कहेंगे इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ उसमें होल्ड करे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब हमने क्या किया कि सपोज कर दिया कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है और हमने उसको इंटेग्रल डोमेन प्रूव कर दिया। दूसरी कंडीशन, अब हम इसको सपोज करेंगे कि ये इंटेग्रल डोमेन है और हम इसमें प्रूफ क्या करेंगे, शो ये करेंगे कि इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। सपोज आर या लेट आर इज इंटेग्रल डोमेन दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो फॉर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा। लेट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट जीरो। अब यहां पर क्या किया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, तीसरा कोई एलिमेंट रिंग का ले लिया सी। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो ये क्या बनेगा, ए डॉट सी जब यहां पर आएगा तो माइनस ए डॉट सी भी बनेगा, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या टर्म रह जाएगी जीरो। यहां से ए कॉमन ले लें, इस ए को कॉमन लें, अंदर आएगा आपके पास बी माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब कह रहे हैं कि आर क्योंकि इंटेग्रल डोमेन है, अभी हम सपोज करके आए हैं इसको इंटेग्रल डोमेन, तो इसका मतलब बी माइनस सी क्या होना चाहिए जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि ए तो हमने कंडीशन लगा दी यहां पर कि ए हमारे पास क्या है नॉन जीरो है, तो फिर इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन के मुताबिक दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट तब जीरो होगा अगर उन दोनों में से कोई एक ना एक एलिमेंट जीरो हो, तो ए डॉट बी माइनस सी क्या होगा, ये बी माइनस सी को एक ही एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं हम यहां पर, तो ए डॉट बी माइनस सी जीरो को इक्वल होगा, या तो ए जीरो हो या बी माइनस सी जीरो हो। अब यहां पर आप देखें कि ए नॉन जीरो है आपके पास, ठीक है, ए हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, तो फिर इसका मतलब बी पॉसिबिलिटी सिर्फ क्या है हमारे पास, द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट बी माइनस सी विल बी इक्वल टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू फिर ए सी होगा क्योंकि बी और सी इक्वल है, तो फिर ए बी और ए सी भी इक्वल होंगे, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक देखें ए ए से कैंसिल होगा, इट मीन्स के बी के आ जाएगा हमारे पास सी के इक्वल आ जाएगा।
तो ये हमने इस तरह इसका प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बुलियन रिंग को प्रूव करना है कम्यूटेटिव है। अब बुलियन रिंग की डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम उसके किसी एलिमेंट का ऐसी रिंग अगर उसमें हम उसके एलिमेंट्स का स्क्वेयर लें वापस सेम वही एलिमेंट आ जाए तो उसको उस रिंग को हम क्या बोलेंगे बुलियन रिंग। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वेयर एक्स के इक्वल हो यानी कि यहाँ पर प्रूव करने के बुलियन रिंग को हमने कम्यूटेटिव प्रूव करना है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लेट आर बी अ बुलियन रिंग एंड एक्स वाई कोई दो एलिमेंट है आर के देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बुलियन रिंग एक्स का स्केयर भी एक्स के इक्वल होना चाहिए और वाई का स्केयर भी किसके इक्वल होना चाहिए वाई के इक्वल होना चाहिए और एक्स प्लस वाई का स्केयर भी किसके इक्वल होना चाहिए एक्स प्लस वाई के इक्वल होना चाहिए बुलियन रिंग के डेफिनेशन के मुताबिक। बिकॉज एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स प्लस स्केयर वाई का स्केयर तो फिर हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। यहां पर स्केयर ओपन करें ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्केयर। यहां पर आप वो गलती नहीं करेंगे कि इसको टू एक्स वाई लिख दें क्योंकि मैंने कहा है कि रिंग के केस में कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल्ड करना लाजमी नहीं है लिहाजा हम एक्स वाई और वाई एक्स को इक्वल नहीं लिख सकते। ठीक है तो फिर इसका मतलब एक्स वाई और वाई एक्स यहां पर क्या होगा इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जरूरी नहीं कि होल्ड करे रिंग में। दैट्स वाई हम यहां पर अब देखें एक्स प्लस वाई को लिखा एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई। अब यहां पर आपको पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है क्योंकि रिंग बुलियन है ये गिवन है। तो फिर हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई। अब ये एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या होगा अब यहां पर बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ देखें राइट और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ किया एक्स एक्स से कैंसिल राइट कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक वाई वाई से कैंसिल तो जीरो बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई एक्स एक्स। अब जीरो को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू जीरो ठीक है और यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई एक्स एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई एक्स ठीक है जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर क्योंकि एक्स के इक्वल है बुलियन रिंग है। देन उसके बाद हम जा रहे हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे देखें जरा तो यहां पर देखें जीरो इंटू एक्स ये हमारे पास किसके इक्वल होगा एक्स वाई प्लस वाई एक्स इंटू एक्स ठीक है तो जीरो इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के इक्वल पुट करेंगे तो बाय वन एंड टू देखें एक्स इंटू जीरो को पुट किया एक्स इंटू जीरो आया हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स वाई एक्स के इक्वल और जीरो इंटू एक्स आया एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स के इक्वल। अब इन दोनों बाय वन एंड टू वन और टू को इक्वेट करें तो यहां पर फिर वो क्या कह रहा है कि एक्स वाई प्लस एक्स वाई एक्स बराबर है वाई एक्स प्लस एक्स वाई एक्स। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हुआ ये हमारे पास एबिलियन ग्रुप हुआ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। यहाँ पर देखें ना आप एक्स वाई प्लस एक्स वाई एक्स किसके इक्वल है एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स के और दिस इंप्लाइज बाय कैंसलेशन लॉ एक्स वाई एक्स को एक्स वाई एक्स को से कैंसिल करें तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास देखें ये दोनों बाय कैंसलेशन लॉ कैंसिल होंगे ये भी कैंसिल होगा तो रिजल्ट आएगा एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स बाय कैंसिलेशन लॉ और क्या हो गया हमारे पास कम्यूटेटिव हो गया यही प्रूव करना था। नेक्स्ट है कि फील्ड किसी भी ऑर्डर ट्रिपल विद रिस्पेक्ट जिसमें भी दो ऑपरेशन इन्वॉल्व हो ऐसा सेट जिसमें दो ऑपरेशन एडिशन भी मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व हो उसको फील्ड कहेंगे अगर वो भी क्या हो एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन ये बता चुका हूं मैं पहले एबिलियन ग्रुप क्या होता है और एफ जीरो हो इस एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन और यानी कि जीरो भी हमारे पास है बिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे सिर्फ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे ये देख लें तो उसको हम फील्ड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कह रहा है कि क्यू आर यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये फील्ड्स हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि एग्जांपल देखें ऐसा अगर हमारे पास ए प्लस बी स्क्वायर रूट थ्री है और ए व बी बिलोंग कर रहे हैं आर को देन एस हमारे पास क्या होगा फील्ड होगा ठीक है। एवरी फील्ड इज एन इंटेग्रल डोमेन हर फील्ड इंटेग्रल डोमेन होती है फॉर द टू प्रूव दिस टू बी इंटेग्रल डोमेन वी आर टू शो दैट इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो देन वेदर ए इज आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो यानी कि फॉर इंटेग्रल डोमेन के मुताबिक अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो हो तो उन दोनों में से कोई एक ना एक जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो हमने करना है प्रूव ए डॉट बी जीरो क्योंकि वो इंटेग्रल डोमेन है तो फिर ए डॉट बी जीरो होगा ठीक है। अब ए इनवर्स को कम्यूट करें बोथ साइड्स पे लेफ्ट हैंड साइड से ए इनवर्स ठीक है इंटू ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो। अब बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए इनवर्स इंटू ए अलग कर दें
ठीक है, ये ए इनवर्स इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, आइडेंटिटी इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर क्या होगा आइडेंटिटी इंटू बी बी के इक्वल आएगा, तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो के इक्वल आ जाएगा। इफ ए ए बी इज इक्वल टू जीरो देन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो। आप देखें एक एलिमेंट नॉन जीरो है दूसरा जीरो है, तो देन उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है जीरो के इक्वल आ रहा है। तो ये इंटीग्रल डोमेन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजी प्रूफ है ये। अगर आप ग्रुप थ्योरी समझ आती है तो रिंग थ्योरी समझना आपके लिए बहुत ही आसान काम है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें कि जेड ट्वेल्व वगैरह ये रिंग है, ठीक है ना, ये टू मल्टीप्लाई बाई सिक्स, थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर, थ्री मल्टीप्लाई बाई एट, फोर मल्टीप्लाई सिक्स वगैरह वगैरह, ये सारे जीरो के इक्वल आएंगे क्योंकि ये सारे टू थ्री फोर सिक्स एट नाइन टेन आर जीरो डिवाइजेड, दे आर नॉट रिलेटिवली प्राइम विद ट्वेल्व। अब थ्योरम आगे है कि इन अ रिंग द जीरो डिवाइजर आर प्रिसाइजली दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट रिलेटिवली प्राइम टू एन, ठीक है, किसी रिंग में जीरो डिवाइजर आर प्रिसाइजली दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट रिलेटिवली प्राइम टू एन। कह रहे किसी भी रिंग में जो जीरो डिवाइजर होता है वो एलिमेंट्स होते हैं जो के प्राइम नहीं होते उस एन से। अब सब रिंग क्या होती है, बिल्कुल उसी तरह किसी रिंग का सबसेट लो और अगर वो भी रिंग की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो सब रिंग कहलाएगा। लेट एस इज अ सबसेट ऑफ रिंग आर, इफ एस इज आल्सो रिंग देन एस इज कॉल्ड सब रिंग ऑफ आर। देन यहाँ पर हम प्रूफ देखें, यहाँ पर अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ रिंग आर इज अ सब रिंग इफ एंड ओनली इफ ए व बी इज बिलोंग्स टू एस, ए माइनस बी, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, ए बी बिलोंग्स टू एस। कह रहे कि ये रिजल्ट भी है, बेसिकली थ्योरम भी है, स्टेटमेंट्स को भी इनको आपने याद रखना है कि किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को, रिंग के किसी नॉन एम्प्टी सबसेट एस को हम क्या बोलेंगे, सब रिंग बोलेंगे। नंबर वन, अगर कोई उसके दो एलिमेंट्स लें एस के सब रिंग के तो क्या होना चाहिए, उनका डिफरेंस लें ए माइनस बी, वो भी उस सेट सबसेट एस से बिलोंग करना चाहिए, और ए बी उन दोनों का प्रोडक्ट लें वो भी उससे बिलोंग करना चाहिए। तो ये इसको प्रूव करना, ये मेरे ख्याल से कि आप लोग कर लेंगे। मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि एस हमारे पास कोई सब रिंग है तो एस क्या होगा, खुद भी क्या होगी, रिंग है। तो यहाँ पर देखें उसके ए, अगर ए भी बिलोंग करे एस को तो ए व माइनस बी भी बिलोंग करेगा एस को, तो ए प्लस माइनस बी अगर बिलोंग कर रहा है तो फिर इन दोनों को ऐड करें क्योंकि ये रिंग है तो क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो होल्ड करेगा। तो फिर प्लस माइनस माइनस, ए ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड ए बी बिलोंग्स टू एस। कन्वर्सली सपोज करें कि हमारे पास ए माइनस बी बिलोंग करे, देखें ना इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन आ गई। पहले हमने क्या किया, लेट कर लिया कि ये सब रिंग है और साबित ये किया कि ए माइनस बी और ए बी दोनों बिलोंग करें एस से। फिर हमने अभी लेट करना है कि ए माइनस बी यानी कि उन दोनों का डिफरेंस लें हम इसके दो एलिमेंट्स का, तो वो भी एस से बिलोंग करना चाहिए और इनका प्रोडक्ट लें वो भी एस से बिलोंग करना चाहिए। देन हम अब इसको शो करेंगे ये सब रिंग है। अब यहाँ पर देखें ना, एस इज क्लोज। अब यहाँ पर हम कह के प्रूव, ये सेकंड कंडीशन ले ली हमने, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड ए बी बिलोंग्स टू एस। देन अब शो ये करना है एस ए व बी बिलोंग्स टू एस, देन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू एस, एस इज सब ग्रुप अंडर एडिशन। अब सब ग्रुप तो हो गया एडिशन के लिहाज से क्योंकि उसमें क्लोजर लॉ होल्ड कर रहे हैं। अब ए बी बिलोंग्स टू एस तो ए बी भी बिलोंग टू करेगा एस, तो क्लोज हो गया ये भी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आप सेटिस्फाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो ये एस को प्रूव करेंगे कि वो एसोसिएटिव भी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्योंकि हमने कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होना लाजमी है, जहां सेमी ग्रुप वाली बात आई थी। आगे कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे तो ये रिंग है, सब रिंग है। अब आगे देखें, हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होती है, ये प्रूव करना है आपने। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या होता है, अच्छा ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन को फील्ड प्रूफ करना है, ये आप लोगों ने बेटा करना है, ये आपके असाइनमेंट है। अब यहाँ पर देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या होता है, कह रहे हैं कि आर अगर हमारे पास कोई रिंग है और कोई पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करता है सच दैट एन को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें, ए क्या है जबकि हमारे पास आर का कोई एलिमेंट है, ए आर का कोई आपके पास एलिमेंट है, उससे किसी इंटीजर एन को मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव इंटीजर को तो रिजल्ट जीरो आना चाहिए, जबकि एन कोई लीस्ट छोटा सा इंटीजर है देन एन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, ठीक है ना। ऐसा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर जिससे कि आप रिंग के किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें और जवाब जीरो आ जाए तो उस एन को आप क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक है। अगर अगर ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता फॉर विच एन ए इज इक्वल टू जीरो देन इस उसको हम कहेंगे आर इज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जीरो, तो देन उस रिंग को हम क्या कहेंगे, ऐसी रिंग जिसमें कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता जिससे उस रिंग के दूसरे एलिमेंट को किसी ऐसे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें जो जवाब जीरो दे दे, देन उस रिंग को हम क्या बोलेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि द रिंग क्यू, ये यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर, रियल नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर, ये जीरो करेक्टरिस्टिक रिंग्स हैं। अच्छा, जेड एन इज अ रिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक एन,
फॉर जेड सिक्स, जेड सिक्स का क्या सेट है, जीरो वन टू, ये जेड सिक्स एक सेट ले रहे हैं वो, इसके एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो टू इंटू, अब देखें यहां पर इसको हमने कोई एलिमेंट इसका चूज किया टू, टू टू को थ्री से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आएगा, और आप बोलते ये मॉड्यूलो सिक्स है, यहां पर मॉड्यूलो सिक्स है, जेड सिक्स है ना, जरा गौर कर, मॉड्यूलो सिक्स का मतलब सिक्स या उससे बड़ा कोई एलिमेंट, फाइव से बड़ा जो भी एलिमेंट आएगा, सिक्स है या सिक्स से बड़ा उसको हम सिक्स पे डिवाइड करेंगे देंगे, ये मॉड्यूलो सिक्स है, जेड सिक्स छह एलिमेंट है इसमें, तो टू इंटू थ्री सिक्स आएगा, सिक्स को सिक्स पे डिवाइड करोगे रिमाइंडर जीरो, थ्री इंटू टू सिक्स आएगा जिसका मतलब ये भी जीरो। तो सर इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, सिक्स है, ठीक है, और सिक्स इंटू ए भी जीरो है यहाँ पर, कि ए बिलोंग कर रहा है कोई से जेड से, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, सिक्स हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि ए के एलिमेंट को क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। आगे थ्योरम है कि किसी भी रिंग को हम क्या बोलेंगे, लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी, आर कोई रिंग है विद यूनिटी, देन आर को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे एन ग्रेटर देन जीरो इफ एंड ओनली इफ एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एन इज टू वन इज इक्वल टू जीरो, एन को हम उससे किसी मल्टीप्लाई, क्योंकि आर कोई रिंग है विद यूनिटी, उसको आर को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे, विद कैरेक्टरिस्टिक रिंग बोलेंगे फॉर एन ग्रेटर देन जीरो, जबकि एन कोई ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि क्या है, जीरो से बड़ा है, लेकिन उसको आप वन से, वन क्यों लिखा यहाँ पे हमने, क्योंकि रिंग में सिर्फ यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है, वन, बात को जरा अंडरस्टैंड करें, तो एन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, तो लेट एन इज ग्रेटर देन जीरो बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, देन एन ए इज इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ की बात है, पहली कंडीशन लेंगे दूसरी प्रूफ करेंगे, दूसरी लेंगे पहली प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे हम, देन एन ए इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड इन पर्टिकुलर एन डॉट वन इज इक्वल टू जीरो। अब लेट कर लिया कि आर कैरेक्टरिस्टिक है, तो फिर इसका मतलब उसका क्या होगा, हमने शो करना है कि एम डॉट वन जीरो है, फर्दर अगर इफ एम डॉट वन इज इक्वल टू जीरो, जबकि एम जीरो रन के दरमियान लाइकर है, तो एम डॉट ए किसके इक्वल होगा हमारे पास, एम इंटू वन डॉट ए, एसोसिएटिव लॉग मुताबिक एम डॉट वन इंटू ए लिख सकते हैं, एम डॉट वन क्योंकि यहाँ पर गिवन एम डॉट वन हो या एम डॉट वन हो, ये क्या होगा जीरो होगा, तो जीरो डॉट ए जीरो होगा यहाँ पर, ये एक और केस भी उसने लेके प्रूव कर दिया, क्योंकि एन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। सिमिलरली सेकंड कंडीशन करना, अब यहाँ पे कह रहे हैं m डॉट a इज इक्वल टू जीरो है, तो कंट्रडिक्शन एज n इज लीस्ट, तो एज n डॉट वन इज इक्वल टू जीरो है, तो कन्वर्सली n डॉट वन जीरो लेट करें और प्रूव करें कि r कैरेक्टरिस्टिक रिंग है, तो n डॉट a कह रहे हैं कोई ये हमारे पास एलिमेंट है रिंग r का, तो n डॉट a को मैं लिख सकता हूँ n डॉट वन डॉट a, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब n डॉट वन को अलग कर दिया, a को अलग, n डॉट वन हमने वन क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि हमें गिवन कंडीशन थी कि n डॉट वन जीरो है, उसी को इस्तेमाल करने के लिए हमने वहां पे a को लिखा वन डॉट a, तो n डॉट वन जीरो के इक्वल है, जीरो इंटू ए जीरो ही आएगा, तो r इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ n विच कम्प्लीट्स द प्रूफ। अब कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और प्राइम, ये भी प्रूफ करना है आपकी असाइनमेंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और प्राइम, या प्रूफ कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। आगे इंटरसेक्शन ऑफ एन, अच्छा एक तो ये हो गया ना, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब रिंग इज अ सब रिंग, सब रिंग कोई किसी भी नंबर्स को इंटरसेक्शन लें तो वो भी सब रिंग होना चाहिए। आगे देखें हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आर कोई बुलियन रिंग है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक टू होगा और आर कम्यूटेटिव होगा। अगर आर कोई बुलियन रिंग है तो एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, एक्स स्केयर एक्स के बराबर होगा और एक्स प्लस एक्स का स्केयर भी एक्स के बराबर होगा, क्योंकि बुलियन रिंग है, बुलियन रिंग के लिए ये कंडीशन है कि किसी एलिमेंट का स्केयर हो वापस वही एलिमेंट आना चाहिए, देन उस रिंग को हम क्या बोलेंगे बुलियन। तो x प्लस एक्स का स्केयर को लिख सकते हैं x प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स, और ये x प्लस एक्स के इक्वल है, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, ये इस तरह की फॉर्म बनेगी, और आपको पता है कि एक्स स्केयर बराबर एक्स के, यहाँ भी एक्स स्केयर बराबर एक्स है क्योंकि ये बुलियन रिंग है, तो तमाम स्केयर्स को आप वापस सिंपल एलिमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक ये दो एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ पे x प्लस एक्स जीरो के इक्वल आएगा, टू एक्स जीरो के इक्वल आएगा, सो टू इंटू वन इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स इंटू वन। अगर हम एक्स की जगह वो कह रहा है कि वन पुट करें तो टू इंटू वन जीरो आ रहा है, तो टू करेक्टरिस्टिक रिंग होगी, यानी कि टू कोई ऐसा इंटीजर है या एक्स कोई ऐसा इंटीजर है जिसको हम टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो उसका करेक्टरिस्टिक टू हुआ। टू ऐसा इंटीजर है जिसको हम उस रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट जीरो आ रहा है।
आसान सिंपल प्रूफ है। आगे देखें इसको, अभी अब प्रूफ करना है इसको कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, यानी कि कम्यूटेटिव बराबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करते हैं, ये प्रूफ करेंगे। एक्स प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई एक्स। ये कैसे आया देखें, यहाँ पर जरा स्टेप मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पर है एक्स प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास, ठीक है, यही चलता आ रहा है ना यहाँ पर। तो एक्स एक्स से कैंसिल, वाई वाई से कैंसिल होगा, कैंसिलेशन राइट और लेफ्ट कैंसिलेशन ला के मुताबिक यहाँ पर जीरो बचेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू दिस। तो ये आपके पास बेटा क्या बन जाएगा, हमारे पास टू एक्स वाई जीरो हो जाएगा। तो ये हम क्या प्रूव कर लेंगे कि एक्स वाई किसके बराबर है, वाई एक्स के बराबर है, और इस कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो गया। गुड लक स्टूडेंट्स, मजीद अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे जूम ऐप पे समझ सकते हैं, मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।